तब ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत को घुमाने से एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। उस शिवलिंग को भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिए। सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, सबसे पहला जो शिवलिंग का निर्माण हुआ था, जो अग्नि के खंभ से शिवलिंग निर्मित हुआ था, वह भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु की साक्षी में प्रकट हुआ था। अब उसमें भी संशय था, बहुत था। कई बार हमारे मन में भी आ जाता है कि हम भगवान का नाम रट तो रहे हैं, हम भगवान का नाम ले तो रहे हैं, क्या भगवान हमारे मंत्र को, क्या भगवान हमारे नाम को, क्या भगवान हमारे भजन को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसी किसान से जाकर पूछना, अगर वो बीज बो देता है और वो बीज नहीं लगता, पहले नहीं लगा परंतु बाद में कभी पानी पड़ गया, बाद में कुछ उसको खाद मिल गई, तो जो बीज बेकार था, जो बीज उगने वाला नहीं था, जब दूसरी फसल लेने जाते हो, जैसे तुमने सोयाबीन का बीज बोया, उसके बाद तुमने जो गेहूं का बीज बोया बाद में, तो सोयाबीन का जो बीज वहाँ पड़ा रह गया, जिसकी कोई मात्रा ही नहीं थी, वो कभी लगा ही नहीं था, वो पहले से पड़ा हुआ था, फिर भी अगर उसको पानी मिल गया, उसको थोड़ी सी खाद मिल गई, उसको अच्छा कुछ भाव मिल गया, तो फिर वो बीज भी गेहूं के साथ में अंकुरित हो ही जाता है। उसी तरह हम जो भजन करते हैं, हमने तो भजन कर लिया, हमने तो शिव नाम ले लिया, हमने तो मंत्र का उच्चारण कर लिया, अब वो बीज हमने जो बोया है, हमने जो मंत्र जपा है, हमने जो नाम जाप लिया है, वो कभी ना कभी अंकुरित जरूर होगा और शंकर उसका फल जरूर प्रदान करेगा। हम जो ले रहे हैं उसका फल हमें नहीं प्राप्त तो होगा। हाँ, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, कभी कभी हो जाता है, एक बच्चा खो गया और एक बच्चा जब गायब हो गया तो किसी ने व्हाट्सएप पर उस बच्चे का फोटो डाल दिया और डाल कर लिख दिया, ये बच्चा खो गया है, इसको ढूंढो और इसके घर का ये एड्रेस है, छोड़ के आना, ये बच्चा कहीं खो गया है, इस बच्चे का फोटो डला हुआ है और वो बच्चे को ढूंढना है। और ढूंढा, वो बच्चा रात को अपने घर आ गया। अब बच्चा तो रात को घर आ गया, पर वो जो मैसेज था ना व्हाट्सएप पर, वो जगह 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 चलता ही रिया। एक साल तक वो मैसेज घूमता रिया और वो छोरा जब जब कहीं बाजार में जाए, लोग उसे पकड़ के फिर घर छोड़ दिया। आखिरी में वो लड़के ने नीचे एक लाइन लिख दी कि अब मैं मरने जा रही हूं। तो मोहल्ले के लोगों ने पूछा, क्यों मरने जा रहा है? तो कहा, मैं जब घर से बाहर निकलता हूं, रोटी खाने कहीं जाऊं, तो कहीं पानी पीने जाऊं, तो कहीं दोस्तों के साथ खेलने जाऊं, कहीं का भी मिलता है, पकड़ के वापस घर छोड़ जाता है। अब वो खोया हुआ एक साल हो गया, पर पकड़ने वाले अभी भी तैयार, अभी भी उसको पकड़ पकड़ के घर छोड़ के। मंत्र अगर प्रबल है, मंत्र की प्रबलता है, तो वो कहे ना, एक साल पहले खोया था और साल भर से लोग उस व्हाट्सएप पर फोटो घुमाते जाएं और घुमाते घुमाते उसको घर छोड़ कर आते हैं। उसी तरह तुम कितने भी पुराने मंत्र का स्मरण करते रहो, परमात्मा भूलेगा नहीं, आखिरी में तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें उस परमात्मा के द्वार तक पहुँचा ही देगा, उसकी चौखट तक ले जाकर छोड़ ही देगा, उस दरवाजे तक ले जाकर छोड़ ही देगा, प्रदान ही कर देगा। वो शिव है, शंकर है, उसकी आराधना, उसकी भक्ति,
उसकी सेवा, उसकी चाकरी सुख प्रदान कर देती है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मदेव बोले, इस शिवलिंग का सिर कहाँ है, चरण कहाँ है, उस चरण और शीश को हमें देखना है। भगवान विष्णु से ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आप एक काम करिए कि चरण ढूंढने के लिए जाइए, मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूँ। भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर चले गए और भगवान ब्रह्मा शीश ढूंढने के लिए ऊपर की ओर चले। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जाते जा रहे हैं, चरण ढूंढने जा रहे हैं, वो शीश ढूंढने के लिए जा रहे हैं। महाराज ब्रह्मा चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए और जब चढ़ते चढ़ते भी ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश नहीं मिला, भगवान शिव का शीश प्राप्त नहीं हुआ, सामने एक केतकी का पुष्प दिखा। उस केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने हाथ में लिया और लेते से ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो केतकी, तुम हमारे साथ में चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान के शिवलिंग का शीश मिल गया। केतकी ने पूछा कि मैं झूठ क्यों बोलूं? भाई व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई भला होने वाला हो। उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होगा, भला होने वाला होगा, तो व्यक्ति झूठ बोलेगा। तो केतकी ने पूछा कि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा भला क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सारे 33 कोटि देवताओं पर तुझे चढ़ाकर रखूंगा, सारे देवताओं पे तू चढ़ेगा। सामने से गौ माता निकल कर आ रही थी, गाय को भी ब्रह्मा जी ने रोक लिया, तुम हमारे साथ चलो, नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया है। तो गौ माता ने पूछा कि मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, सबसे पहली रोटी जो बनेगी वो गाय तुझे दी जाएगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया और आज भी एक रोटी के चक्कर में मनुष्य अपनी दुकान पर बैठकर जीवन भर झूठी बोलता रहता है, केवल एक रोटी के चक्कर में। कभी कभी आप भी अपने अपने पतियों से पूछ सकती हो, इतना किसके लिए कमा रहे हो? दो रोटी चैन की नहीं खा पा रहे, किसके लिए? हम कई बार कथा में कहते हैं, एक दो बार तो कुबेरेश्वर धाम से भी आपको कहा कि शंकर की कथा में भी अगर आप जा रहे हो ना, तो आपके अगर आभूषण शरीर पर हैं तो वो आभूषण की महत्वता नहीं है जितनी भगवत भजन के आभूषण की महत्वता है। सबसे सुंदर आभूषण मुख के लिए क्या होता है? जम के बोलिए, भगवान का भजन। कानों के लिए सबसे सुंदर आभूषण कौन सा होता है? शिव महापुराण की, जम के बोलते जाओ, कथा। नासिका के लिए सबसे सुंदर आभूषण ये नथनी या लोंग नहीं है, नासिका के लिए सबसे सुंदर आभूषण है भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प की सुगंध। शीश के लिए बेंदा आभूषण की जरूरत नहीं है, शीश के लिए आभूषण है भगवान के चरणों की धूल इस मस्तक पर चढ़ जाए और हमारा कल्याण हो जाए, वो आभूषण मूल्य। हाथों के लिए मुद्रिका या कड़ा या स्वर्ण आभूषण की जरूरत नहीं, इन हाथों से दान हो, धर्म हो, भगवान की सेवा हो, वो आभूषण मूल है। चरण के लिए पायल रूपी आभूषण की जरूरत नहीं, चरण के लिए आभूषण है भगवान के चरणारविंद तक पहुंचना। कंठ के लिए जरूरी है रुद्राक्ष और तुलसी की माला का स्मरण। हाँ, स्वर्ण आभूषण धारण करो, पहनो, खूब पहनो, स्वर्ण आभूषण धारण करो, खूब पहनो, पर कहां? जहां हमारा परिवार, हमारा पति, हमारा ससुर, हमारी सास, हमारा कुटुंब वाला संग चले, वहां
जहाँ महादेव आपके साथ चले वहाँ तो केवल शिव नाम का भूषण होना चाहिए, केवल शिव नाम। कई लोग कथा में आते हैं, बाद में उनका कोई सामान चले जाता है तो कहते हैं हम तो कथा में गए थे वो महाराज जी की, हमारा तो मंगलसूत्र चले गया, हमारी तो चेन चली गई, हमारा तो ये चले गया। तो ऐसा चक्कर मत पाड़ना, ना जजमान पर नाम आए ना शिव पुराण पर नाम आए। इसलिए यहाँ जो भी आए या चेन और ये फालतू का सामान का चक्कर में ये मत कह देना कि हमारा कथा में गए थे तो ये चले गया। यहाँ से जाने के बाद तो ये की बात मुंह से निकलना चाहिए, जब से शिव पुराण की कथा सुनी महाराज दिल चले गया। वो तो बात नहीं तो मालूम पड़े कि बताओ हम तो कथा में गए थे ने, कई लोग आए बोल दे बता हमारी चप्पल चली गई भगवान ढूंढे पड़े। शिव कथा में आ रहे हो, शंकर के दरवाजे जब जाते हो ना, सारा सामान जब घर के लोग सब अच्छी अच्छी चीज निकाल लेते हैं, फालतू चीज लेके शंकर जी के दरवाजे जाते हैं, अंतिम समय को याद कर लेना। इतने जोरदार जोरदार घर में कपड़े रखे रहेंगे, ऐसी सुंदर सुंदर साड़ी रखी रहेगी, पर बहू वो ही साड़ी पहनाएगी जो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए तुमसे निवेदन है कि जो तुम्हारे पास में अच्छी अच्छी धरी हो साड़ी एक से बढ़कर एक, उन्हें ये शिव पुराण में पहन लो दादा, जीवन का कोई ठिकाना है। भगवान का कोई भरोसा नहीं है साहब। जैसे कंपनी वाले कंपनी के कर्मचारियों को टेंडर देते हैं ना, सुनो इतना पैकेज पूरा होना चाहिए, इतना काम पूरा होना चाहिए, उसी तरह भगवान विष्णु भी यमराज को कभी कभी पैकेज दे देते हैं, नीचे से इतने उठा लाओ। और पिछला पैकेज तुमने देख लिया है कोरोना का, और तीसरा पैकेज के चक्कर में मत रहना, मुंह पर मास्क लगा के रहना और हाथ को बार बार धोते रहना, छोरा छोरी को मार मार के मत धोना, हाथ को धोते रहना। प्रयासरत रहो, और कल से जितने भी कथा में आओ ना तो मुंडा सबके पास एक ही नहीं मास्क, बोलो जम के जरा, जिसके पास नहीं हो वो हाथ हिलाओ, जिसके पास नहीं हो मास्क नहीं हो जिसके पास घर पे वो हाथ हिला देना, नहीं है हाँ पड़ोसन के घर पे होंगे तीन चार। अब हिलाओ, अब देखो किसके पास मास्क नहीं है, जिसके पास नहीं है वह हाथ हिला दो। सबके पास है बस, तो फिर अब भगवान तुम्हारा भला करे दादा, वो अचार डालने के लिए नहीं है वो मास्क, जितना भी तुम्हारे घर पे धरा है नहीं, वो अचार डालने के लिए नहीं है वो तुम्हारे मुंडा पे लगाने का है। तो उसको बढ़िया कल उसको निकालो पेटी मेटी में से, दो धूप बत्ती अगरबत्ती घुमा के और उसका नाम लेना है कोरोना मैया कृपा कर जे, शिव पुराण की कथा में जा रहे हैं मुंडा पे चल के चल, और देवी के जैसे लाए नहीं एक इके भी लिया और मुंडा पे लगा के फिर कथा में बैठो और फिर कथा का आनंद लो, जिससे भारत की भूमि भी स्वच्छ सुंदर और रोग से मुक्त हो। हमारा खरगोन ऐसा भाव प्रकट कर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आनंद में लाओगे ना कल, लाना चाहिए, इसका प्रयोग करो। देखो कोई तुमसे नहीं कहेगा कि अब तुम ये करो कि वो करो, ये अपनी सेफ्टी है, अपने को करना है साहब। हर हर महादेव, केतकी के पुष्प को और ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर चल दिए, एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिए है गौ माता, एक
सुगंध के चक्कर में, देवताओं के चरणों में चढ़ने के चक्कर में झूठ बोल दिया केतकी का पुष्प, और आए भगवान विष्णु के सामने। ब्रह्मा जी आए तो भगवान विष्णु से पूछा, नारायण प्रभु क्या आपको भगवान के चरण मिले? भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। स्कंद पुराण में लिखा है भगवान नारायण ने एक बार शंकर जी के सामने सत्य कहा कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, एक बार सत्य बोला तो भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण हो गया। क्या नाम पड़ गया? सत्य नारायण। भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ गया, और वो सत्य नारायण राधे, भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ गया, और भगवान विष्णु का नाम जब सत्यनारायण पड़ा, उस दिन से लेकर आज तक भगवान सत्यनारायण का स्मरण हो रहा है। सत्यनारायण बोले, सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ गया। इतने में भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मदेव कि आपको भगवान शंकर का सिर मिला है? ब्रह्मा जी बोले हाँ मिला है। इतने में आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, ब्रह्मा झूठ, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। हाँ, जैसे ही कहा ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, तब ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो केतकी के पुष्प से पूछ लीजिए कि मुझे शीश मिला कि नहीं मिला। केतकी के पुष्प ने जवाब दिया भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को, प्रभु ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। फिर आकाशवाणी हो गई उस शिवलिंग में से कि यह केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी भी तो झूठी हो सकती है। श्राप दे दिया भगवान शंकर ने केतकी के पुष्प, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी का फूल शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ता है पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ता महाराज, शिव पर नहीं चढ़ता। श्राप है तुझको, तू कभी नहीं चढ़ेगा, दोष लग गया। ब्रह्मा जी ने कहा अगर विश्वास ना हो तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता से कहा, गौ माता बोलो क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिला? इतने में गौ माता ने कहा हाँ ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिला। भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई कि गाय झूठ बोल रही है। गौ माता तू जगत की माँ होकर तू झूठ बोल रही है? हे गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूँ, गौ माता तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाए, तेरा मुख अपूज्य रहेगा। हिंदू धर्म में कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान सारे दान आगे से होते हैं। हिंदू धर्म में केवल एक दान है गौदान, जो पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है क्योंकि गाय ने झूठ बोला था। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, मंदिर की, देवालय की, देवताओं की सारी परिक्रमा आगे से, पीपल आंवला जितने वृक्ष है साल की सबकी परिक्रमा आगे से होती है, पर हिंदू धर्म में केवल एक परिक्रमा है, वो है गौ माता की। वो परिक्रमा गाय के पीछे से चालू होकर पीछे पर विराम होती है, पूंछ से चालू होती है और पूंछ पर विराम होती है। गाय की परिक्रमा कभी आगे से नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये झूठ बोली। ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोला, शिव जी को क्रोध आया, शंकर भगवान ने अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, उस नख को तोड़कर फेंका। और नख तोड़कर फेंक कर भगवान शंकर ने कहा एक काल भैरव प्रकट हो, और काल भैरव को प्रकट करा और काल भैरव से कहा जा जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहा है इस ब्रह्मा का सिर काट दे। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा,
जो फेंक के मारा, ब्रह्मा जी का शीश कट गया, शीश कटा हुआ लुढ़कता गया। तो भी ब्रह्मा झूठ बोलते जा रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी है। शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कटे हुए शीश में से जो रक्त की धार निकली, उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी का पानी कुत्ता भी नहीं पीता है, कोई पक्षी उसमें चोंच नहीं डुबोता है। वो नदी है कर्मनाशा। भारत की भूमि पर केवल एक नदी, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पानी ना पिएं, इसका स्पर्श ना करें, ये कर्मों का नाश कर देती है। सात पीढ़ी में अगर किसी ने उद्यापन करा हो, व्रत करा हो, कन्यादान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, भूमि दान, अन्न दान, कुछ भी करा होता है, अगर कर्मनाशा नदी का थोड़ा सा भी पानी अगर शरीर पे लग जाता है, तो सात पीढ़ी में करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। ऐसी नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है, उसका नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा भगवान नारायण ने कहा, प्रभु भले ब्रह्मा ने झूठ बोला, पर इसका कटा हुआ शीश का क्या होगा? तब भगवान ने कहा, इस कटे हुए शीश को मैं बट का पेड़ बना देता हूँ। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया, क्योंकि बड़ के पेड़ के नीचे शिव विराजमान हो गए। शंकर जी को सर्वाधिक प्रिय है सत्य। क्या प्रिय है? सत्य। शंकर जी का एक नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। कहीं अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कार्रवाई चल रही हो, कोई कार्य अगर नहीं हो रहा हो, कोई रुपया लेकर चले गया नहीं दे रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे दही के शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए, दही का शिवलिंग। दही के शिवलिंग का निर्माण कर कर, या तो दही के शिवलिंग का निर्माण करो या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उस पर दही की मात्रा ज़्यादा चढ़ाओ, उस पर दही की मात्रा थोड़ी ज़्यादा चढ़ाए। तो दही का शिवलिंग बनाए या पार्थिव शिवलिंग बड़ के पेड़ के नीचे बनाकर उसका पूजन करना, उस पर काली तिल समर्पित कर कर एक बेलपत्र, जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उसकी जो डंडी होती है वो बड़ के पेड़ की ओर होना चाहिए, डंडी का भाग। आप जब वृक्ष के नीचे बनाएंगे, सामने वृक्ष है, यहाँ आपने बैठ कर बनाया शिवलिंग, और डंडी का भाग वृक्ष की ओर होना चाहिए, वृक्ष की ओर हो, और उसमें से आप बाबा देवाधिदेव महादेव बटकेश्वर महादेव का पूजन करें। जो आपका धन नहीं दे रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, या अदालत में कोई बात चल रही हो, फाइल नहीं खसक रही हो, या आपके पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा हो, तो शंकर बटकेश्वर महादेव का पूजन करो। जो चढ़ी हुई बेलपत्री है उसको घर लेकर आ जाओ, बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी की पूजन कर कर उनका विसर्जन कर दीजिए। पांच या सात सोमवार कर कर देख लीजिए, बाबा की कृपा होगी और आपका कार्य सफलता की ओर बढ़ जाएगा। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शिव की आराधना करें। आगे वर्णन आया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान को अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर यहाँ पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन करिए। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान शिव ने आधा स्वरूप शिव अपना बनाए हैं पुरुष का, और आधा स्वरूप स्त्री का बनाया है। भगवान अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का स्वागत करिए। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।